गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है? ईश्वर के सच्चे भक्तों के किस तरह के व्यवहार होते हैं, आज हम ये जानेंगे। गायत्री मंत्र का यह शब्द उस महिमामयी भक्ति साधना की ओर इंगित करता है जो धीमे ही ध्यान करने योग्य कही जाती है। भक्ति की महिमा अपार है। सच्चे ईश्वर भक्त के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो प्राप्त ना हो सके। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को ही प्राप्त करना है और उस ईश्वर प्राप्ति का उपाय है भक्ति। इसीलिए गायत्री के गर्भ में से सन्निहित योगों में भक्ति योग का भी स्थान है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। ईश्वर से प्रेम करना सच्ची भक्ति है। भजन भक्ति का प्रधान अंग है। भजन करने से भक्ति तत्व प्राप्त हो जाता है, इतना तो अनेकों व्यक्ति जानते हैं, पर ये ज्ञान बहुत थोड़े लोगों को है कि भक्ति भजन का वास्तविक तात्पर्य क्या है। तो आइए कि भजन की वास्तविकता पर और भक्ति की वास्तविकता पर कुछ विचार करते हैं। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। इस सत्य को जानते तो अनेक लोग हैं, पर उसे मानते नहीं, व्यवहार में नहीं उतारते। जो परमात्मा को सर्वव्यापी घट घट वासी मानेगा, उसका जीवन उसी क्षण पूर्ण पवित्र हो जाएगा, निष्पाप और कषाय कलमशों से रहित हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, वो तुरंत ही पापों से छूट जाता है। निस्संदेह बात ऐसी ही है। भगवान की शरण में जाने वाला, उसकी सच्ची भक्ति करने वाला, उस पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक प्रकार से जीवन मुक्त ही हो जाता है। ईश्वर की भक्ति होना और सच्चा जीवन एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जो भगवान का भक्त है, जिसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो परमात्मा की उपासना करता है, उसे जगत पिता की सर्व व्यापकता पर आस्था जरूर होनी चाहिए। यदि ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि भगवान जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है, तो पाप कर्म करने का साहस ही नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चोर है जो सावधान खड़ी हुई सशस्त्र पुलिस के सामने चोरी करने का साहस करे? चोरी, व्यभिचार, ठगी, धूर्तता, दंभ, असत्य, हिंसा आदि के लिए आड़ की पर्दे की तुराव की जरूरत पड़ती है। जहां मौका होता है, इन बुरे कामों को पकड़ने वाला नहीं होता, वहीं इनका किया जाना संभव होता है। जहां धूर्तता को भली प्रकार समझने वालों, देखने वालों और पकड़ने वाले लोगों की मजबूत ताकत सामने खड़ी होती है, वहाँ पाप कर्मों का हो सकना संभव नहीं है। इसी प्रकार जो इस बात पर सच्चे मन से विश्वास करता है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, वह किसी भी दुष्कर्म के करने का साहस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बुरे काम करता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे देखने वाला या पकड़ने वाला कोई यहाँ है या नहीं। जब वह ये देख लेता है और विश्वास कर लेता है कि उसका पाप कर्म किसी की दृष्टि या पकड़ में नहीं आ रहा है, तभी वह अपने काम में हाथ डालता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने को परमात्मा की दृष्टि या पकड़ से बाहर मानते हैं, वे ही दुष्कर्म करने का साहस करते हैं। पाप कर्म करने का ये स्पष्ट अर्थ है कि ये व्यक्ति ईश्वर को मानने का दंभ भले ही करता हो, पर वास्तव में वह परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करता है। उसके मन को इस बात पर भरोसा नहीं कि परमात्मा मौजूद है। यदि विश्वास होता तो इतने बड़े हाकिम के सामने किस प्रकार उसके कानूनों को तोड़ने का वो साहस करता? जो व्यक्ति एक पुलिस के चपरासी को देखकर भय से थर थर कांपा करते हैं, वे लोग इतने दुस्साहसी नहीं हो सकते कि परमात्मा जैसे सृष्टि के सबसे बड़े अफसर की आंखों के आगे ना करने योग्य काम करें, उनके कानूनों को तोड़े, उसको क्रुद्ध करें, उसका अपमान करें। ऐसा दुस्साहस तो सिर्फ वही कर सकता है जो ये समझता हो कि परमात्मा सिर्फ कहने और सुनने भर की चीज़ है। वह पोथी पत्रों में, मंदिरों मठों में, नदी तालाबों में
या कभी स्वर्ग या नरक में भले ही रहता होगा, पर हर जगह नहीं है। मैं उसकी दृष्टि और पकड़ से बाहर हूँ। एक तरह से कहा जाए तो जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है। जो परमात्मा की सर्व व्यापकता पर, यानी हर जगह परमात्मा मौजूद है, इस पर विश्वास करते हैं वे आस्तिक हैं, और जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हैं। जो दुष्कर्म करने का, बुरे काम करने का साहस कर सकते हैं वे ही नास्तिक हैं। इन नास्तिकों में कुछ तो भजन पूजा बिल्कुल नहीं करते और कुछ करते हैं। जो नहीं करते वे सोचते हैं कि व्यर्थ का झंझट मोल लेकर उसमें समय गंवाने का क्या फायदा। जो पूजन भजन करते हैं वे भी भीतर से ना करने वालों के समान ही होते हैं, पर व्यापार बुद्धि से रोजगार के रूप में ईश्वर की खाल ओढ़ी लेते हैं। कितने ही लोग ईश्वर के नाम के बहाने ही अपनी जीविका चलाते हैं। हमारे देश में करीब 56 लाख आदमी ऐसे हैं जिनकी कमाई, पेशा, रोजगार ईश्वर के नाम पर है। यदि वे ये प्रकट करें कि हम ईश्वर को नहीं मानते तो उनकी ऐश आराम देने वाली बिना परिश्रम की कमाई हाथ से चली जाएगी। इसीलिए उन्हें ईश्वर को उसी प्रकार ओढ़े रहना पड़ता है जैसे कि जाड़े से बचने के लिए गर्मी देने वाले कंबल को ओढ़े रहते हैं हम। जैसे ही वह जरूरत पूरी हुई वैसे ही कंबल को एक कोने में पटक दिया, जहाँ इनका उद्देश्य पूरा हुआ कि इनका असली रूप सामने आ जाता है। पापों से खुलकर खेलते हुए एकांत में उन्हें जरा भी झिझक नहीं लगती। इसके बाद आते हैं तीसरी तरह के नास्तिक लोग। वे प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के नाम पर रोजी रोटी नहीं चलाते बल्कि उल्टा उनके नाम पर कुछ खर्च करते हैं। ईश्वर का आडंबर करके वो शरीर पर ईश्वर की भक्ति के चिन्ह धारण करते हैं। घर में ईश्वर के प्रतीक मौजूद होते हैं उनके घर। ईश्वर के निमित्त कहे जाने वाले कर्म कांडों का आयोजन भी करते हैं। ईश्वर भक्त कहलाने वालों का स्वागत, सत्कार, भेंट पूजा भी होती रहती है। ये सब इसलिए होता है कि लोग उनके संबंध में अच्छे ख्याल रखें, उनको भक्त मानें, उनका आदर करें, धर्मात्मा समझें और उनके जीवन में उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनकी कलई न खुले। आज भी जो उनके दुष्कर्म चल रहे हैं वे छिपे रहें। चौथे प्रकार के नास्तिक भी होते हैं। वे पाप छिपाने या धन कमाने के लिए नहीं किंतु अपने आप को पुजवाने के लिए, यश और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए ईश्वर भक्त बनते हैं। इसके लिए कुछ त्याग और कष्ट भी उठाते हैं पर भीतर से उन्हें प्रभु की सर्व व्यापकता पर आस्था नहीं होती। कुछ लोग रिश्वत के रूप में ईश्वर भक्ति को साधते हैं। भोग और ऐश्वर्य की लालसा उन्हें उसी मार्ग पर ले जाती है जिस प्रकार आजकल घूसखोर हाकिमों को एक मोटी रकम झुकाकर लोग मनमाना काम करवा लेते हैं और थैली खर्च करके थैला भरने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग रिद्धियों और सिद्धियों को प्राप्त करने की फिक्र में ईश्वर के दरवाजे खटखटाते हैं। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष है कि ईश्वर का भक्त दिखाई देने वाले भी असंख्य लोग ऐसे हैं जिनकी मनोभूमि परमात्मा से कोसों दूर है। उनका निजी जीवन, व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा नहीं होता जिससे ये प्रतीत होता हो कि ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर अपने को बुराइयों से बचाते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आस्तिक कहा जाए? जो पापों में जितना अधिक लिप्त है, जिसका व्यक्तिगत जीवन दूषित है, वह उतना ही बड़ा नास्तिक है। लोगों को धोखा देकर अपना स्वार्थ साधना, छल करना, प्रपंच करना, माया, दंभ, भय, अत्याचार, कपट और धूर्तता से दूसरों के अधिकारों को अपहरण करना, स्वयं संपन्न बनना, ये नास्तिकता का स्पष्ट प्रमाण है। अब हम जानेंगे कि ईश्वर भक्त जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। ईश्वर भक्ति का जितना भी अंश जिसमें होगा उतने ही दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर की सर्व व्यापकता पर विश्वास करेगा, सब में प्रभु को समाया हुआ देखेगा। आस्तिकता का दृष्टिकोण बनते ही मनुष्य भीतर और बाहर से निष्पाप होने लगता है। अपने प्रियतम को घट घट में बैठा देखकर वह सबको नम्रता का, मधुरता का, स्नेह का, आदर का, सेवा का, सरलता का, शुद्धता का और
निष्कपटता से भरा हुआ व्यवहार करता है। भक्त अपने भगवान के लिए व्रत, उपवास, तप, तीर्थयात्रा आदि कष्ट उठाता है, उन सभी कष्टों को सहन करता हो। तो इस तरह से आपने जाना कि नास्तिकों के लक्षण क्या होते हैं और भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना